दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबसे पहले मैं आप सबसे सॉरी चाहती हूँ, क्योंकि मैं आज से पहले मैं बहुत कम ब्लॉग बनाए, तो मैं आपसे डेली कोशिश करूँगी कि डेली ब्लॉग बना पाऊँ, और आप सभी मेरा सपोर्ट करना, ठीक है। और दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं कॉलेज, क्योंकि आज हमारा पेपर है। पेपर का नाम बोल रहे क्या सब्जेक्ट है कैलकुलर। दोस्तों गलत हो गया तो सॉरी, कमेंट करके बताना सही क्या है। तो हम ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता भी नहीं है कि सब्जेक्ट का नाम क्या है। तो ये तीनों के तीनों मसान मेरे साथ चल रहे हैं। दोस्तों एक बात बोलो, मेरे का कैमरा बहुत ख़राब हो चुका है, इसीलिए धुंधले धुंधले आ रहा है सब। तो भयंकर बकचोदी मारते हैं सारी। तो 7 बजे से पेपर स्टार्ट है और अभी टाइम हो रहा है 6:30 बजे। तो यहाँ से यहाँ वहाँ तक आधा घंटा लग जाता है पहुँचते। पर हम 15 मिनट पर हम पहुँच जाते हैं, पर हम 10 या 5 मिनट में पहुँच जाते हैं, क्योंकि हमारी स्पीड इतनी तेज है। कच्चर तो नहीं है, दूर होगी कच्चर, पहुँचे नहीं मैं बोल। तो दोस्तों हमने पेपर कंप्लीट कर चुका है, और थोड़ा सा घूम घाम के भी आ चुके हैं कॉलेज से, और अभी हम जा रहे हैं अपने रूम की ओर, क्योंकि हम खाना खाने जा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं अपने गांव, और यहां से पड़ता है हमारा गांव 24 किलोमीटर सड़क के रास्ते से, और अभी हम पैदल मार्ग से जा रहे हैं। तो हमें पड़ेगा कितना पड़ेगा, नहीं 20-21 किलोमीटर पड़ेगा। तो सोच सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा होता है, और उतना हमने पैदल जाना है। तो बता दी मैं आपको पूरा रास्ता, ठीक है। आगे देख सकते हैं राधा जा रही है, और दो चुड़ैले आगे जा रही है, सिमरन, सुमन, निकिता। दोस्तों अभी बहुत थकान भी लग रही है मुझे। तो ये है हाट गांव, और इसके बाद आता है त्यारी गांव, उसके बाद अरखुंड गांव, उसके बाद दा सिंह, उसके बाद बसुकेदार, उसके बाद आएगा हमारा गांव। हाँ, और आगे पे राधा मठू मठू करते हुए चल रही है। देख सकते हैं बोयम, सिमरन, सुमन और निकी। तो दोस्तों बहुत थकान लग चुकी है, अभी पानी से थोड़ा मुंह धो लिया है, क्योंकि बहुत गर्म हो रहा था, और इसके बाद हम चलते हैं। और दोस्तों आप सभी को पता है आजकल बहुत धूप होती है, और उत्तराखंड में तो कम ही होती है, पर ये दिन की धूप होती है ना, वो हर जगह बहुत ही खतरनाक होती है। मुंह धोकर और आपको सबको पर ये भी पता होगा ही, आजकल आई फ्लू की बीमारी कितनी तेजी से बढ़ रही है पूरे भारत में, और उनमें से हमारे गांव में भी है कुछ। अभी मैं सेव हूँ गाइस, आई होप सेव रहूँ गाइस। इसे हो जाएगा अब मेरी वजह से नहीं होगा, होगा। तो चलते हैं गाइस, तो चलते हैं धीरे धीरे कदमों के साथ। और इस उमर ने देखा उसका शरीर, उसका घाट
उसका आधा शरीर और ये दोनों ये कसम से मैं बोल नहीं रही, मेरा हार्ट बाहर आ गया था, थोड़ा थोड़ा बच रखा है। और इनको मजाक पड़ी हुई है, इसको भी देख लेना, यो तेरे ने सुन दे तुम्हें अंबिका छा लो अया दे यो जब हमें बस के आ सको मैं वो छोड़ सा वो बचा दिखे छोटू अयो जिंदगी में बहुत कष्ट है। अभी हम पहुंच चुके हैं अरखुंड में और अभी अरखुंड नहीं पहुंचे, अरखुंड की सड़क पे पहुंच चुके हैं, थोड़ी दूर में अरखुंड। और उसके बाद दर्शन जाएंगे, उसके बाद बसुकेदार जाएंगे, उसके बाद जाएंगे हम क्या बसुकेदार से जो पड़ता है 3 किलोमीटर। चुके हैं अरखुंड और आने वाला है अरखुंड गाँव। तो ये जो सामने सामने गांव दिखाई दे रहा है ये डाल सिंह गाँव है। जो आने ना ये हमेशा भी वीडियो नहीं आया है और अभी हम ट्रक में जा रहे हैं, बहुत ही मजा आ रहा है, हम अक्सर जाते रहते हैं गाइस। और ये पीछे जो देख रहे हो सब अरखुंडा है, फुल लेंगे ये बहुत बखूबी मार रहे हैं, बहुत बढ़िया लहरा के झरा के चलती है फहरा के। ओ माय गॉड, झटका झटका लगा झटका और मतलब गाल लगा दे भाई ये अपना को हम ना क्या देखो काटने के लिए हो चुकी है, सब देखो धान ने काट चुकी है, लोग आज से ज्यादा लोग धान काट चुके हैं। और गुड़गांव में गाइस मंडवा भी हो गया है काटने के लिए, नहीं मंडवा नहीं झंगोरा 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 हो गया काटने के लिए। तो हमें तो वही नहीं मंडवा बंद था जिम्मा रड़ा भी नहीं पहले क्या दिक्कत हो रही था, ऊपर का पानी जा रहा है, इन पर का पानी जे जे में बोल जा रहा है, हमारा भी जा रहा है ना, जब आप पर खमो जे तो पानी में जब आप पानी में जब आप गांव छोड़ पा रहे हैं। ओ भाई इसको डांस हो रहा है गाइस, क्या मारना क्या बनाना तुम वीडियो, बहुत ही मजा आया हमें सच में आज, मतलब ट्रक में ना वो दिन में क्या दिन थे,
जब हम भी स्कूल के स्कूल के टाइम पर गाड़ी के छत में गाड़ी के छत में जाया करते थे और वो दिन आज हमें याद आ गए। सच में जो कुछ भी बोलो ना, स्कूल का टाइम बेस्ट टाइम होता है। तो स्कूल वाले प्लीज एंजॉय योर लाइफ, हमने तो बर्बाद करी थी। अभी हम पहुंच चुके हैं बसुतीदार में और अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि अभी थोड़ी देर से हम बैठ रखे हैं क्योंकि बहुत ही थकान लगी है गाइस। आपको पता है 24 किलोमीटर दूर ज़्यादा वो नहीं होते हैं, मेरा मतलब है 24 किलोमीटर बहुत होते हैं, तो थकान लग चुकी है, सर भी दर्द कर रहा है मेरा। तो शायद लोग शायद परसों आएगा, तब तक के लिए बाय।